दोस्तों, हैप्पी न्यू ईयर, नया साल मुबारक हो आप सबको। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो न्यू ब्लॉग में आप सबका स्वागत है। तो आज है नया साल, मैं नहा हुआ के आ गई। तो आज तो है कुछ बनाने का मूड, तो आज कुछ बनाएंगे। क्या बनाएंगे? तो हम बनाएंगे मोमोज बनाएंगे। तो आप सब ब्लॉग में बने रहिए, देखते रहिए, ठीक है? देखिए हम इधर आ गए, इधर बहुत साउंड आता है। चुटकी क्या बनेगा? चुटकी बताएगी, देखिए। मोमोज। हाँ, खाएगी ना? तो बनाएंगे, चलिए आप सभी ब्लॉग में बने रहिए, देखते रहिए। देखो मोज बनाने के लिए हम सब काट लिए हैं। तो आज है नया साल, तो कुछ मोज बनाने के लिए हम बासन में सब तेल डाल दिए हैं। इस टमाटर भी हम रखे हैं चटनी बनाने के लिए। तो अभी चटनी बनाने के लिए हम रखेंगे, पहले बना लेते हैं। देखिए अब डालेंगे हम प्याज, डालेंगे देखिए साथ में एक गाजर है, तो इसको हम डाल देंगे। कल नहीं बनाई थी तो सोचे आज बनाएंगे। तो देखिए ये भी डाल दिए। एक पत्ता गोभी है, इसको भी हम डाल देंगे। पत्ता गोभी भी हम डाल दिए। स्वाद अनुसार हम नमक भी डाल दिए इसमें। पानी इसमें छोड़ देगा, गल जाएगा। ऐसे ना नमक डाल के रखने का ना पानी जो स्वाद है सब निकल जाता है। उसको आटा में भी भून सकते हैं, लेकिन नहीं हम इसी तरह बनाएंगे। थोड़ा अच्छा हल्का हल्का पक भी जाएगा। चटनी बनाने के लिए हम टमाटर डाल देंगे इसमें। भी डाल देंगे हम बस इतना। इसमें नमक भी हम डालेंगे चटनी में। इसको ढक देंगे। तो देखिए पानी तो फेरा ना, बंद कर देंगे, बंद कर देंगे। इसी में हम डाल देंगे फिर लहसुन भी हम डाल देंगे इसमें, और सूखा मिर्चा है ये भी डाल देंगे उसी में। देखिए दोस्तों हो गया, पानी भी सूख गया है। इधर जो है चटनी का हो गया है, तो चटनी का जो ठंडा हो जाएगा ना तब पीसेंगे, तो मिक्सर मशीन में पीसेंगे, ठंडा हो जाएगा। तो चटनी का हो गया है। तो देखिए मैदा को हम नमक डालेंगे आधा चम्मच। तेल है तो तेल भी हम डालेंगे एक चम्मच।
इसको हल्का हल्का पानी डाल, तो इसको मिला के पानी डालेंगे हम। देखिए दोस्तों अच्छा से हम मिला लिए हैं, हम पानी डाल के इसको बनाएंगे। दोस्तों कैसा बनाए कमेंट में बताइएगा। देखिए दोस्तों हम तेल लगा दिए इस पे, इसी पर इसको एक कटोरी हम रख दिया है, इसके ऐसे रख देंगे। देखिए कैसा बनाए कमेंट में बताइएगा, आप लोग कैसे बनाते हैं, फर्स्ट बार बनाई हूँ। इसमें रख लेंगे आप, देखिए दोस्तों बन गया। कैसा बना है आप लोग कमेंट में बताइएगा, अच्छा बना है कि नहीं। तो इसको हल्का हल्का हम ना छान देंगे, ज्यादा तेल में नहीं डालेंगे, बस ऐसे छानेंगे। देखिए दोस्तों हल्का हल्का इसको हम छान लेंगे और भी टेस्टी लगेगा। देखिए दोस्तों मोज बन गया, छान भी ली तेल में, आप देखिए इसको खा के आप बताते हैं कैसे बनाते हैं। बहुत अच्छा बना है।